हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीना संभारे पर। आज हम आपको हमारे इस वीडियो में झांसी की रानी के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं झांसी की रानी के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को और इनकी मृत्यु हुई थी 7 जून 1858 को। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी और इसी युद्ध में प्रथम शहीद वीरांगना थी रानी अवंतीबाई लोधी। इनकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1858 को। इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना में युद्ध किया और रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई थी जो उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध करा रानी लक्ष्मीबाई ने और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। फर्रुखाबाद के नवाब के महल में रानी लक्ष्मीबाई का कलात्मक चित्रण इस प्रकार है। पूर्ववती गंगाधर राव, उत्तरवती ब्रितानी राज्य, जन्म मणिकर्णिका तांबे, 19 नवंबर 1828, वाराणसी, भारत। इनका जन्म हुआ था, झांसी की रानी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में, भारत में। इनका निधन हुआ था 17 जून 1858 को। उम्र थी उनकी 29। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी जून 17 जून को नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु 18 जून की हुई थी। ये तो तथ्यों के अनुसार है, वाकई में ऐसा किसी को भी नहीं पता कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 17 जून को हुई थी या 18 जून को हुई थी। लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी कोटा की सराय ग्वालियर में, भारत में। जीवन संगिनी थी ये झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर के संतान है। इनके दामोदर राव, आनंद राव, इन्होंने आनंद राव को गोद लिया था। इनकी संतान का नाम दामोदर राव था। ये घराना था इनका नेवालकर। इनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सापरे था। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन इस प्रकार है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरपंत तांबे था। अब जानते हैं इनके आगे के बारे में। मोरपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ साल की थी। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी क्योंकि घर में मनु के देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु ने सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज्य ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे से बहुत से बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राजा का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में काटने का फरमान जारी कर दिया।
ब्रितानी अधिकारियों ने राजा का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी करने के बाद रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उनको भी उन्होंने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। झलकारी बाई थी जो रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल डुप्लीकेट ही हमशक्ल थी, उन्होंने झलकारी बाई को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया, साथ ही उन्हें अपनी सेना में एक प्रमुख स्थान दिया। अब 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी की सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। इस युद्ध को सफलतापूर्वक विफल करने के बाद 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को धीरे धीरे घेर लिया। दो हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी की रानी भागकर कालपी पहुंची और त्याता टोपे से मिली। त्याता टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना ने लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरस ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, झलक और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, लेकिन विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। सोलरपुर महाराष्ट्र में रानी लक्ष्मीबाई के प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध है। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी वही है और रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल वाराणसी में है और रानी लक्ष्मीबाई का उद्यान जो अत्यधिक मनमोहक है वह भी झांसी में ही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं अपने नए नए वीडियोज़ जो आपको भेजते जाऊँ वो आपको समय समय पर मिलते रहिए। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अपने दिलचस्प और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अलविदा।